बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अजी खबर न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा कमल। सियालकोट से सैयद वहीशा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ईवान ने कहा है कि खेल इंसानी सेहत और शख्सियत पर गहरे मुस्बत असरात मुरतब करती है और मुस्बत रवैयों की जानिब रागिब करती है, मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में मदद करती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कराटे क्लब 2023 के फातहीन के एजाज में मुनक्कद तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए किया। DSO इफ्तिखार गोंदर और डायरेक्टर पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स यूनियन मियां शहजाद आर्गनाइज शहजाद अहमद और कोच मोहम्मद यूनस भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ईवान ने कराटे क्लब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए 4 जूनियर 4 सीनियर्स की मेल और मेल कैटेगरी में अव्वल दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की।